ये कल रेस्टोरेंट में थी और वहां ये इसकी सिर्फ दोस्त नहीं थी, वहां दो लड़के भी थे इसके साथ। पूछे से शानी, तुम क्या कह रहे हो? बड़ी मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा दोस्त वहां पे काम करता है, उसने मुझे बताया, उसने सब देखा है। क्या कह रहा है शानी? अम्मी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि सवेरा की अम्मी बीमार है, उनको लेके हॉस्पिटल जाना है, तो फिर मैं रेस्टोरेंट क्यों जाऊंगी? और वैसे भी इसके दोस्त ने किसी और को देख लिया होगा और ये बिला वजह मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। एक तो देखो, वैसे ही अफनान की वजह से ना मेरा मूड बहुत खराब है, अब मजीद नाराज होकर मूड ना खराब करो मेरा। तुम्हें भैया के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था, झूठ तुम बोल रही थी और पूरे घर के सामने भैया झूठे बंदे। तो ये बात है। हाँ, तो अपने भैया जान को बोलो ना कि मेरे मामला में टांग ना अड़ाया करे। जब उसकी दोस्त ने उसे बता ही दिया था तो अपना मुंह बंद रखता, बिना वजह मेरे मामला में टांग अड़ाता और मैं कुछ भी ना बोलू। आया ना अब मजा? मतलब हम डिनर पे जा रहे हैं, कोई हनीमून पर नहीं जो इतना तैयार हो रही हो? मुझे भी पता है कि हम कोई हनीमून पर नहीं जा रहे, डिनर पर जा रहे हैं। हनीमून की तैयारी तुम्हें अलग से पता चलेगी, शादी के बाद देखना तुम। रियली? क्या तैयारियां करोगी? सब अभी बता दे। हाँ, बताओ ना। वैसे तुमने क्या सोचा है फिर? अब लेट नहीं हो रहा? हाँ, चलो चलो चलो। हाँ, मुझे लगता है उसे गलतफहमी हो गई थी और मैं माफी मांगता हूँ, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था पहले। देखो शानी, जो होना था ना सो हो गया, अब यहाँ से जाओ और मेरा दिमाग मत खाओ। ये तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों? हाँ तो तुम भी तो मुझसे चढ़ के बात करते हो ना, ऐसे लगते कुछ पुराने दुश्मन हो मेरे, और अभी देखो कितने मासूम बन गए, कितनी नरमी से बात कर जैसे मुझे बहुत पसंद करते हो।